अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सरमे। और अब हम अगला वीडियो अपना लेकर के आए हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, मैं अभी लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, ब्रांच अकाउंट से मोस्टली न्यूमेरिकल आएगा तो इसकी थ्योरी बहुत जल्दी ले ली जाती है और इसकी थ्योरी भी थोड़ी सरल है। क्या क्या आ सकता है? विभागीय खाते का अर्थ आ सकता है, इसके लाभ आ सकते हैं और इसके उद्देश्य आ सकते हैं। ये तीन चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लेना। ओके, तो आइए समझाते हैं हम विभागीय खातों के लाभ कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैंने आपकी ये बहुत ही सरल रूप में 12 हेडिंग्स दे दिए हैं और आप बुक में देखोगे तो 6-7 से ज्यादा नहीं मिलेंगी और इतनी सरल होंगी कि इनको एक बार पढ़ेंगे हम लोग तैयार हो जाएगा। ओके, और इनके अगर नोट्स चाहिए हो पीडीएफ तो 9719811019 ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है जहां से आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा अब आपके लिए कि कौन कौन से लाभ है। पहले देखो एक संक्षेप में आधे मिनट में एक अर्थ हो जाए इसका। देखो प्राचीन समय से अब समय बहुत बदल गया है। प्राचीन समय में जो व्यापार का क्षेत्र था वो सीमित था, छोटे छोटे व्यापार थे और आने जाने के इतने साधन नहीं थे, तो व्यापार का रूप इतना विस्तृत नहीं था जितना आज है। तो आज क्या है कि अब लोगों के पास में पैसा भी बहुत है, तो ये कोई बड़े से व्यापार का मालिक अपने व्यापार को सही से संचालित करने के लिए अपने व्यापार को ही छोटे छोटे भागों में बांट देता, जिससे ग्राहकों को दिक्कत ना हो और उसके लिए ऑपरेट करने में दिक्कत ना हो, कर्मचारियों पर आसानी से नियंत्रण बना रहे और इधर उधर की जो ऊर्जा है वो भी सही स्थान पर लगाई जा सके। और इस तरह से व्यापार के छोटे छोटे भाग करना, प्रत्येक छोटा भाग विभाग कहलाता है और उस विभाग को कंट्रोल करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हीं को हम विभागीय खाते कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि विभागीय खाते के लाभ कौन कौन से हैं, कौन कौन से फायदे हैं। देखो पहला फायदा है लाभ बढ़ाने में सहायक। जब तुम्हारे बिजनेस में कोई व्यक्ति, देखो पूरी कॉमर्स पढ़ते समय अपने आप को बिजनेसमैन मानिए, जब हमारे बिजनेस में कोई कस्टमर आता है और उसे बिल्कुल भी असुविधा नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे यहाँ 2 रुपए ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके लिए अगर यातायात के साधनों का भी अगर मतलब मिलना आसान हो रहा है, कहने का मतलब है कि आपके बिजनेस तक उसकी शीघ्र पहुंच है, आने जाने में असुविधा नहीं है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं पर वो 2 रुपए ज्यादा खर्च करने को तैयार हो जाएगा हमारे बिजनेस में। तो इस तरह से जब एक ही छत के नीचे सारे के सारे आइटम मिल जाते हैं ऐसी कंडीशन में बिक्री बढ़ जाती है और लाभ भी बढ़ जाता है। तो विभागीय व्यापार का सबसे बड़ा लाभ है कि लाभ बढ़ाने में सहायक है, लाभ हानि ज्ञात करने में आसानी। देखो कई विभाग चल रहे होते हैं, पता चले कुछ विभागों में प्रॉफिट हो रहा है, कुछ में लॉस हो रहा है, इकट्ठा देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसमें प्रॉफिट हो रहा है किसमें लॉस हो रहा है। तो व्यापार में कौन से डिपार्टमेंट कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रही ये ज्ञात करने में बहुत ही आसानी रहती है इससे विभागीय खाते से। तीसरा है व्यापार की नीति बनाने में सहायक। नीति कहते हैं प्लानिंग के लिए, योजना के लिए, यानी ऐसी योजना जिसके आधार पे हमारी अंदर की बातें भी पता ना चले ग्राहकों को और ग्राहक भी हमसे खुश रहे, इसी को कहते हैं व्यापार नीति में सहायक। अब ये व्यापार नीतियां होती कैसी, जब भी आप बड़े बिजनेस में जाओगे तो वो कहेगा कि अगर 2000 की आप शॉपिंग करते हो तो आपके लिए 200 रुपए फ्री, ठीक है, या मतलब अगर आपने 1400 की परचेजिंग कर ली है तो आपसे वहां कर्मचारी बोलेंगे 600 की और परचेजिंग कर लो, तो आप ये समझ लो कि 600 की और परचेजिंग करने के लिए जो बोलते हैं, अब वहां पर प्रॉफिट का रेशो ही 30% है तो 6 गुना कितना 180 रुपए आपके क्या हो गए वहां पर, तो वैसे ही प्रॉफिट के रूप में उनके पास में आ रहे थे तो 200 रुपए का आपको ऑफर दे दिया तो कौन सा गलत दे दिया। तो कुल मिलाकर के यही व्यापार की नीतियां होती हैं, यानी उनकी जब बिक्री बढ़ेगी तो क्या होगा आपको पता, वो जहां से माल ला रहे हैं वो वहां से अतिरिक्त छूट ले लेते हैं कि भाई हम तुम्हारी कंपनी का इतना माल सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ तो छूट बनता है, अगर 1-2% ही वहां से ले ली तो वो तो बराबर हो गए। तो कोई अपने घर से देने वाला नहीं। कॉमर्स पढ़ने के बाद में एक चीज बहुत अच्छे समझ लेना कि दुनिया में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब हमसे ज्यादा नहीं जानते, और वो कौन सी बात ज्यादा नहीं जानते कि कोई व्यक्ति मुफ्त में फ्री में हमारे लिए कुछ नहीं देता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज लेने के चक्कर में ही हमारे लिए कोई ना कोई गिफ्ट है या कोई ना कोई ऑफर है वो देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए। जब बड़ा डिपार्टमेंट, जब बड़े बिजनेस को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो जो एक जो विभागाध्यक्ष बनाया जाता है, यानी पूरे विभाग को ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति बनाया जाता है, वो अपने कर्मचारियों में क्या होता है कि मोटिवेट करता है, उनको इंडिकेट करता है, उनको पुश करता है, उनको और मोटिवेट करके किसी ऐसे स्थान पर लगाता है जहां पर वो अच्छे से अच्छे अपना प्रदर्शन कर सके, ठीक है। और यहां पर हम आपको बता दें गिफ्ट इत्यादि भी देने की व्यवस्था होती है
और वेतन वृद्धि की व्यवस्था होती है। जैसे आपको अगर कहीं का विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप क्या करोगे, जो लोग सही काम कर रहे हो तो उनको प्रमोट करने का प्रयास करोगे, यही आपका क्या होता है, मेन काम होता है। तो यहाँ पर कर्मचारियों की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट है ग्राहकों को सुविधा। देखो जब बड़ा व्यापार होता है और ग्राहकों को जो चीज परचेज करनी होती है या जहां से लेन देन करना होता है वो संबंधित उसी में विभाग में चले जाते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके कॉलेज का दे दें, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, और प्रशासनिक डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए कि भैया तुम जहाँ जाना चाह रहे हो वहीं जाओ, क्यों पैदल चलोगे, क्यों अपनी एनर्जी के लिए वेस्ट करोगे। तो इस तरह से ग्राहकों को भी क्या रहती है, सुविधा रहती है। नेक्स्ट है लागत में कमी। भाई लागत में बिल्कुल कमी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब अलग अलग विभागों में जब मैनेज कर लिया जाएगा तो वहां पर क्या होता है कि जिस विभाग में कस्टमर आ रहा है वहीं के खर्चे होंगे, और जहां पर मान लीजिए नहीं आ रहा है उसे कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है या कम कर्मचारी लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो लागत है उसमें भी कमी आती है। और जैसे हमने यहाँ पर एक दिया था अभी एग्जाम्पल दिया था, ये सब चीजें हमारी कॉस्ट को ही तो कम करती है। जैसे ये पेन, अगर 1000 पेन बनाओगे तब भी मशीन का बीमा, अगर 5000 का होगा तो 5000 का होगा, 1,00,000 पेन बनाओगे मशीन का बीमा फिर भी उतना ही होगा। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन खर्चे उतने कम होते हुए चले जाते हैं। सो गाइस फर्दर वी कैन से दैट हियर इज द लाइक आप कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को प्रेरणा। देखो विभागाध्यक्ष जो होते हैं कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहते हैं, और जब विभागीय व्यापार जब होता है तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए भी दिखाने का प्रयास करते हैं, देखो उस डिपार्टमेंट में कितना अच्छा चल रहा है, उस डिपार्टमेंट में कितना अच्छा चल रहा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले वो भी सोचते हैं यार उनका नाम हो रहा है हमारा भी नाम होता, क्यों 8 घंटे की जॉब है 8 ही घंटे की करती है। सो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए भी क्या मोटिवेट किया जा सकता है, किया जा नहीं सकता, किया जाता है। व्यवसाय की स्थिति का ज्ञान। और देखो इसमें क्या होता है कि अलग अलग विभागों के व्यापार एवं लाभहानि खाते बना करके हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्थिति को देख लिया जाता है, वहाँ कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जानकारियां हमें किससे, अलग अलग जब हम विभागीय खाते तैयार करते हैं तो हमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विभागों में प्रतिस्पर्धा, इसको हम कहते हैं आपस में बहस, यानी जो विभाग होते हैं उनमें जैसे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं मंथली, अरे उस डिपार्ट की देखो इस महीने इतनी सेल हुई, उस महीने इतनी, तभी तो मंथली टारगेट दे दिया जाता है भाई तुम्हें इतना सेल करना है, कैसे करोगे, कस्टमर आए उसके चाहे हाथ जोड़ो चाहे उसको किसी तरह से समझाओ कुछ भी करो उसको है पकड़ाना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है विभागों में प्रतिस्पर्धा तैयार कर दी जाती है, और प्रतिस्पर्धा का सबसे अच्छा परिणाम ये होता है कि आप सोचो कर्मचारियों को फायदा नहीं होता, भाई कर्मचारी सैलरी कहां से ले रहे होते हैं, विभाग से ले रहे होते हैं, तो उनको टाइम पे सैलरी भी मिलती है, वेतन बोनस और साथ में गिफ्ट इत्यादि है वो भी मिलते हैं। नेक्स्ट कर योजना, टैक्स प्लानिंग। देखो जब अलग अलग लेखांकन होता है सबका तो वहां पर टैक्स प्लानिंग भी बहुत आसानी से बन जाती है। कैसे बन जाती है कि भाई कितना कर देना है, अलग अलग डिपार्टमेंट से खुद ही निकल के आ जाता है, बाद में उसको क्या होता है कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो टैक्स की प्लानिंग है वो भी आसान बनाना रहता है। व्यापार की ख्याति, देखो जब व्यापार इस तरह का होता है जहां पर कस्टमर वाह वाह करने लगे तो समझ लो कि वो चार जगह बैठेंगे वहां पर आपके बिजनेस का नाम लेंगे। आपने देखा होगा आई डोंट नो कि आप कहां रह रहे हो, बट आपने पास पड़ोस के जो शॉपिंग मॉल साहब चले हैं आपने उनमें देखा होगा जब जाते हो कि पूरे टोटल एसी होते हैं और एसी के साथ साथ में वहां पर अपनी मर्जी से खुद देखते रहो कहां क्या हमें लेना है क्या नहीं, जहां मन में आए वहीं छोड़ देते हो, आपसे कोई कुछ कहने नहीं आता। ये सब चीजें क्यों है, ये सब चीजें इसलिए है कि आप ही सर्वोपरि हो, आप जैसा चाहोगे वैसा ही वो सेवा देने के लिए तैयार हो, बेचारे भर संभाल लेंगे। तो इस तरह से चार जगह जाते तो कहते अरे उसके बिजनेस में तो बहुत मजा आ गया। तो कुल मिलाकर के व्यापार की क्या बनती है, गुडविल बनती है, यानी व्यापार के कहीं पर चर्चा होने लगे उसी को हम व्यापार की क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। भविष्य के निर्णय में उपयोगी, भविष्य के निर्णय ये होते हैं कि एक मॉल खोलने के बाद में दूसरा खोलोगे, तीसरा खोलोगे, बंद करोगे, बहुत बड़े घाटे में जा रहा क्यों जा रहा, ये सारे निर्णय, ठीक है, यानी कस्टमर्स को कैसे हम लुभा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे विज्ञापन कर रहे हैं, इन सब चीजों में विभागीय जो खाते हैं बहुत फायदेमंद हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिट देते हैं। तो देखा कितनी इजी और कितनी सरल हेडिंग्स थी जो मैंने आपके लिए दी और अपने लैंग्वेज में ये सब समझाया, और इनके नोट्स भी आपको इसी तरह से बिल्कुल सरल भाषा में मिलेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं जिससे कोई हेडिंग में अगर कमी रहेगी तो तुरंत आप समझ लोगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट तो बनता है, इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, लाभ बढ़ाने में सहायक है, लाभ हानि ज्ञात करने में आसानी, व्यापार की नीति में सहायक, कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि, ग्राहकों को सुविधा, लागत में कमी, कर्मचारियों को प्रेरणा, व्यवसाय की स्थिति का ज्ञान, विभागों में प्रतिस्पर्धा, कर योजना, व्यापार की ख्याति, भविष्य के निर्णय में उपयोगी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।